इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों अपने वन प्लस के मोबाइल फ़ोन में दोस्तों फोकस मोड सेटिंग को आप कैसे दोस्तों शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब इसे ऑटोमेटिक ऑन आप कैसे कर सकते हैं और इससे क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना है वन प्लस फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है। इसमें नीचे आएंगे तो डिजिटल वेलबींग एंड पैरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें नीचे आना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फोकस मोड का, फोकस मोड पर आप क्लिक करिएगा। अब दोस्तों देखिए फोकस मोड में तो आपको उस ऐप को सिलेक्ट करना होगा जिस ऐप से आप चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब जिस ऐप से आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाता है किसी चीज पर। अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं कोई काम करने के लिए तो जिस ऐप से आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है उस ऐप को आपको यहाँ फोकस मोड में देना है सिलेक्ट कर। चलिए मैं यहाँ से जो है चार पांच ऐप को देता हूँ सिलेक्ट कर। और देखिए सिलेक्ट कर देने के बाद आप यहाँ टर्न ऑन नाउ पर क्लिक करके आप इसे अभी भी ऑन कर सकते हैं या किसी टाइम ऑन कर सकते हैं। पर अगर आपको इसको शेड्यूल करना है, मतलब मान लीजिए कि अगर आप दोस्तों रात के टाइम किसी काम पर फोकस करने के लिए इस ऐप से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो आपको तो आप इसे शेड्यूल कर दीजिए। जैसे तो शेड्यूल करने के लिए सेट शेड्यूल पर क्लिक करिए और जिस टाइम आप चाहते हैं कि दोस्तों फोकस मोड जो है इन सारे ऐप में लग जाए तो वो टाइम आप यहाँ स्टार्ट टाइम में डाल देंगे। जैसे मैं रात के 9 बजे चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक दोस्तों जो है ऑन हो जाए तो 21 बजे का टाइम मैंने डाल दिया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब मैं दोस्तों चाहता हूँ कि 11 बजे ये बंद हो जाए, मतलब 11 बजे से जो है बेड टाइम मोड फोकस मोड ऑफ हो जाए, तो 11 बजे डाल दिया। सातों दिन चाहते हैं तो सातों दिन को सिलेक्ट कर देना है, फिर आपको यह सेट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इससे क्या होगा कि रात के 9 बजे हमारे फ़ोन में फोकस मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों फोकस मोड ऑन हो जाने से दोस्तों क्या होता है कि आपका ये सारा ऐप दोस्तों फोकस मोड में चला जाता है, जिसके कारण ये ऐप दोस्तों डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ये ऐप दोस्तों बंद हो जाता है। और फिर देखिए आपका वो ऐप किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से डिसेबल्स दिखेगा। और देखिए दोस्तों यूज करने के लिए इस ऐप पर क्लिक करेंगे तो इसमें बताया जाएगा फोकस मोड इज ऑन, तो आप ये ओके पर क्लिक करके कट कर सकते हैं। पर यूज ऐप फॉर 5 मिनट पर क्लिक करके 5 मिनट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से इस ऐप में फोकस मोड लग जाएगा। मतलब दोस्तों फोकस में आपका ये ऐप दोस्तों हो जाता है तो दोस्तों डिसेबल, और दोस्तों डिसेबल हो जाने के कारण कोई भी कॉल मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे कि आप जो है किसी भी चीज़ पर फोकस दोस्तों कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस सेटिंग्स को आप शेड्यूल करके यूज कर सकते हैं। तो शेड्यूल करने का फायदा ये होगा कि जो टाइम आप स्टार्ट टाइम में डाले हैं तो उस टाइम में ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में जो है फोकस मोड ऑन हो जाएगा और इन टाइम में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे शेड्यूल करके यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।